हेलो व्राम वेलकम टू क्लास सीरीज और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज को देखेंगे बेसिकली बोन और कार्टिलेज ये दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है वो अपन देखेंगे ठीक है तो लेट्स माउन टू आर डिफ्रेंसिस पार्ट जो कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं अपने थ्री कॉलम्स है फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किस बेसिस पर अपिफ्रेंशिएट करेंगे सेकेंड कॉलम बोन एंड थर्ड कॉलम कार्टिलेज

प्रोडक्ट्स फ्राम एक्सटर्नल एंड इंटरनल शॉक्स काटलेज एक बेसिक काटलेज भी बेसिकली स्ट्रक्चर्स है लेकिन ये हार्ड uh, या फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है ये सॉफ्ट और सिंपल स्ट्रक्चर है और एक किससे कनेक्टेड रहता है ये भी सेम कनेक्टेड टिश्यू से ही कंपोज uh, कंपोज uh, होते बने हुए रहते हैं डेट ऑफर्स इनका फंक्शन क्या है डेट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी टू दी जॉइंट्स ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं जो अपने जॉइंट्स होते हैं ना जॉइंट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल शॉक्स जो बाहर बाहर का शॉक्स मिलता है जो अंदर का शॉक मिलता है बॉडी को वो से वो से बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं ठीक है तो इसको अपन कहते हैं कार्टिलेज ठीक है देन यहाँ पे सेल नेम के बारे में बात करिए तो यहाँ पे क्या बोला है बोन सेल्स आर कॉल्ड एज योस्ट्स तो बेसिकली जो बोन बोन सेल्स होते हैं ना तो, तो तो वो तो वो किस नाम से जाना जाते हैं योसियोसाइट्स के नाम से जाना जाते हैं लेकिन कार्टिलेज के अंदर क्या बोला है बोन सेल्स आर कॉल्ड एस योसियोसाइट्स ये दोनों के नेम ही सेम है ठीक है साइंटिफिक नेम सेम है इनके लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस ग्रोथ के बारे में बात करिए तो यहाँ पे क्या बोला है बोन्स के अंदर बाई डायरेक्शनल दे ग्रो इन बोथ डायरेक्शन जो तो जो बोन्स है ना वे दोनों डायरेक्शन में ग्रो करते हैं लेकिन कार्टिलेज के अंदर क्या बोला है यूनिट डायरेक्शनल जो कार्टिलेज होता है वह वह सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर ग्रो करता है वह दोनों डायरेक्शन के अंदर ग्रो नहीं करता इसलिए यहाँ पे लिखा है इट ग्रोस इन अ सिंगल डायरेक्शन ठीक है अब यहां पे बोन मैरो के बारे में बात करिए तो बोन के अंदर क्या बोला इट इज प्रेजेंट बोन के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होगा ठीक है लेकिन यही चीज बोन मैरो कार्टिलेज के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा ठीक है इससे लिखा है यहाँ पे इट इज एबजेंट पे ब्लड वेजल्स के बारे में बात करिए तो बोन क्या बोन के अंदर ब्लड वेजल प्रेजेंट होती है हां बोन के अंदर ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती है लेकिन यही चीज कार्टिलेज के अंदर बोन आई मीन सॉरी ब्लड वेजल्स जो ब्लड वेजल्स होती है वह बोन के अंदर प्रेजेंट होती है लेकिन ये जो ब्लड वेजल्स है ये कार्टिलेज के अंदर एब्जेंट होती है ठीक है

देन बात करिए यहाँ पे कैल्शियम पॉसपेट के बारे में तो बोन के अंदर क्या बोला है प्रेजेंट इन इी मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स के जो बोन का मैट्रिक्स होता है बोन के मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है कैल्शियम पॉसपेट प्रेजेंट होता है लेकिन यही चीज़ कार्टिलेज के अंदर क्या बोलिए एब्सेंट इन दी मैट्रिक्स जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स होता है उसके अंदर जो कैल्शियम पॉसपेट होता है वह एबजेंट होता है ठीक है देन यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में बात करिए फेवरसियल कैनाल सिस्टम के बारे में बोला तो बोन के अंदर क्या बोला प्रेजेंट होता है और यहाँ पे काटलेज के अंदर काटलेज के अंदर एबजेंट होता है ठीक है देन यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोलती है वोकमेन कैनाल के बारे में बोला तो बोन के अंदर भी प्रेजेंट होता है और काटलेज के अंदर एबजेंट होता है ठीक है देन यहाँ पे लास्ट डिफरेंस अपनी बात करती है टाइप्स के बारे में तो बोन के बोन्स के कैसे कैसे टाइप्स होते हैं कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन ठीक है ये दो टाइप्स होते हैं कॉम्पैक्ट कौन कौन से कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन लेकिन यही चीज़ काटलेज के क्या क्या टाइप्स होते हैं फेब्रो काटलेज इलास्टिक काटलेज एंड लाइन कार्टलेज ठीक है तो यह थी अपने डिफ्रेंसेज बिटवीन बोन एंड कार्टलेज